माय डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद चैप्टर चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों, तो आज मैं बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन बना रहा हूं। दोस्तों, कि ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में हर बार आएगा, 3 नंबर का। तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेंगे आप। पॉलीनोमियल के बारे में पूरा बेसिक डाला हुआ है ना प्रैक्टिस चैनल पर। तो उस पर अभी अब जो बोर्ड के आने के तत्वावधान में अब हम आज से वीडियो पढ़ाई का डालता रहेगा। तो आप इसको बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 3x² + 4x - 1 के शून्यक हो तो बहुपद ज्ञात करो। अच्छा, जिसके शून्यक 1/α² and 1/β हो। ओके, आगे दोस्तों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 4x - 1, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरो आर 1/α² and 1/β². दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, एक वर्ड आया जिसका नाम है बहुपद, है ना, यानी पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखिए तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा जाएगा पहला बहुपद, राइट, पॉलिनोमियल, है ना। समझिए प्रयास दोस्तों, मैं बहुत अच्छी तरह समझाने प्रयास करूंगा। इसकी जो बहुमत होता है अधिक, यानी इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों ax² + bx + c = 0। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके जो डिजिट दिख रहा है इसको पेयर हम यहाँ मिलाएंगे। ओके, समझना दोस्तों, समझाना ना आपको। ओके, ध्यान दीजिएगा, 3x² + 4x - 1, है ना दोस्तों। देखिए, समझिएगा, इसको समझिएगा ना। देखिए, फिल्म से समझिए ना। तो ना, जीता था जिसके लिए मरता था। दोस्तों देखो, देखो ना, सुनाएंगे आपको। देखो तो ए का देखिए, है ना, तो ए का कितना आ गया 3, राइट, बी का 4, सी का -1, फाइनल हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है 3x² + 4x - 1, राइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टर। तो दोस्तों क्या करेंगे, 3x² अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं दोस्तों, फर्स्ट को लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनखंड जिसको बोलते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। 3 × 1 आ गया। इसको ऐसा फैक्टर करो यहां से कि जो हो जाए 3 × 1 = 3 और 3 + 1 इसका टू कितना आ गया 4, राइट नाउ अब यहाँ पे 4 लाना है, मुझे क्या लाना है 4, क्या लाना है 4 लाना है। तो दोस्तों जो बीच जो आपका bx होता है, bx, तो bx को क्या करते हैं फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कि इसको हम प्लस करने पर या माइनस करने पर आपका ये चीज यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ प्लस करने पर आ रहा है, तो माय डियर इसको सेम लिखेंगे। ओके, समझ रहे ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे 3x + समझ रहे दोस्तों। तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिए आप, है ना। यहाँ पे देखिए, तो ये आपका हो गया 3x + 1x, कोई डाउट, कोई दिक्कत दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, है ना। समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं? हाँ, तो माइनस कितना आ गया -1 = 0, राइट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे 3x² राइट प्लस 3x, कोई दिक्कत तो नहीं है, फाइनल। यहाँ आ जाएगा 1x - 1x = 0। दोस्तों इसमें फैक्टर दोस्तों नहीं हो पाएगा, है ना, ये फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो इसको ध्यान समझिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए। इसको जब फैक्टर नहीं हो दोस्तों, तो आप समझ लेना कि इसमें हमें कुछ नहीं करने का प्रयास करेंगे। अभी हम टोपी से मिला लेते हैं दोस्तों, टोपी से। अरे यार, डिस्टर ही नहीं लाया। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा है ना, अभी फॉर्मूला दिख रहा है आपको 1/α² देखिए 1/α² + 1/β², राइट, क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे होगा दोस्तों 2α² और 2β², फाइनल हो गया। अब इसको यहां लिखोगे आप
तो बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, है ना, क्लियर हो गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये आपको अब समझ ना जाके, है ना, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो इसका होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, हो गया, याद कर लो, हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, है ना, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए यहाँ समझ, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ लुकिंग आ रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इसका टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है फोर, क्लियर हो रहा है ना, अच्छा तो दोस्तों माइनस फोर, अब ये कितना है थ्री, हमने इसको यहाँ रख दिया, डाउट तो नहीं है, डाउट, अच्छा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, राइट, सी कितना है, सी माइनस वन, माइनस वन, ए कितना है थ्री, ठीक दोस्तों, ये आपको समझ आया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आया है ए प्लस बीटा का था, इसको हम यहां रख देंगे। देखो ये फैक्टर नहीं हो पाया था, तो समझना कि यार फैक्टर नहीं होगा तो कोई गड़बड़ है, तो फिर आप सीधे कर देना, ठीक है ना। देखो इसको उठा के यहां रखो, तो इसका हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा एंड बीटा कितना है माइनस वन बाई थ्री, राइट, और यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों वन बाई थ्री का स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यू ए माइनस अपने आप से हट जाएगा, तो कितना जाएगा फोर का स्क्वायर कितना होगा सोलह बाई नाइन, और माइनस माइनस प्लस तो टू बाई थ्री हो गया, किलो हो गया दोस्तों। अब यहाँ कितना होगा वन बाई नाइन, देखो वन का स्क्वायर वन होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा। देखो अब हम क्या करेंगे माय डियर, कि अब इसको सोल्व करेंगे, थ्री नाइन कैल्सियम कितना होगा नाइन, ओके या नाइन। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे, सेम आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सिक्सटीन प्लस थ्री थ्री जा नाइन और थ्री टू जा सिक्स, ओके फाइनल हो गया दोस्तों। अच्छा अब यहाँ लिखेंगे हम वन बाई नाइन, कितना आ गया बताइए, प्लस कर दो ट्वेंटी टू बाई नाइन अपॉन वन बाई नाइन, तो इससे कट जाएगा, तो इसका दोस्तों आंसर आ गया ट्वेंटी टू। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना, तो जरूर ध्यान रखो और लाइक जरूर करना, मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड नाइट।